नमस्कार, आप देख रहे एसीएन भारत। मैं हूं आपके साथ बाबू शेख। फेस टू फेस में आज चर्चा करने के लिए इंदौर के जो विधायक है संजय शुक्ला जी हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन उनकी हम बात करें, उनके कार्यों की बात करें, क्योंकि अभी धर्म की राजनीति चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं संजय शुक्ला जी की बात करें तो वो कहीं ऐसी कथाएं हर दिन करते थे, और चुनाव जब वो नहीं लड़ते थे तब भी इस तरीके की कथाएँ वो करते थे। संजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसीएन भारत में। आप इस समय जो राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है, लेकिन आप धर्म की राजनीति नहीं करते थे, क्योंकि अब तो पहले से ही जो इस तरीके के जो आयोजन है वो करते हैं। सबसे पहले एसीएन भारत के जितने भी न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक, उनको मेरे तो बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत शुभकामनाएं जो आपने चालू करा इंदौर शहर के लिए, और अच्छे बुरी चीज़ हमारे लोग बताते हैं आप, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद भाई। सभी लोगों में बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को मेरी ओर से। और आपका सवाल है कि धर्म की राजनीति की बात नहीं है, हम धर्म हिंदू धर्म के पालन करते हैं, हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम समाज के मुस्लिम समाज धर्म करते हैं, सिख समाज के सिख वाले, हर समाज का अपना अपना धर्म पालन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम हिंदू धर्म के तो भाई सावन सोमवार हो या नवरात्र हो या गणेश उत्सव हो, हर प्रोग्राम करते आ रहे हैं लगातार। एक नहीं, मेरा परिवार और हम मिलकर 40 साल से गणेश उत्सव पूजा करते आ रहे हैं मरी माता चौराहे पर। उस चौराहे पर चारों तरफ एक एक लाइट लगाते हैं, वो इतना बड़ा मंदिर बनवाया साउथ के स्टाइल में। हम अपने परिवार, हम दोस्त और हम पूरा परिवार मिलकर प्रोग्राम करता है। धर्म की राजनीति हम नहीं करते, हम धर्म को पालन करते हैं, पर धर्म की राजनीति कभी नहीं करते। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो लोग अलग ही हैं। मैं चाहता हूं धर्म की राजनीति अलग होना चाहिए और काम अलग होना चाहिए। बीजेपी का ये आरोप है कि अब राम मंदिर बन चुका है, इसके बाद जो है कांग्रेस के जितने भी जो दफ्तर उन पर राम के फोटो लगाए जा रहे, पहले राम क्यों नहीं याद आए? और आपको बता रहा हूँ, हम कांग्रेस के वाले जितने भी, देखिए आप बरसों से मैं धर्म की राजनीति करीब हर साल 1 लाख शिवलिंग वितरण करता हूँ, उनकी पूजा पाठ कराता हूँ, पर डे 8 से 10 हज़ार लोगों को खाना खिलवाता हूँ, और उनको पालन सावन बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारा, वो करवाते हैं, गणेश उत्सव करवाते हैं, कथाएँ करवाते हैं, उसके अलावा भागवत कथा होती है, अनेक कार्यक्रम कांग्रेस के परिवार हर लोग करते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा मंदिर, हनुमान जी मंदिर बनवाया, वो तो कोई राजनीति वाली बात नहीं, पहले बरसों से बनाते आ रहे हैं, क्यों नहीं? एक धर्म की मंदिर बन रहा है, देश में बन रहा है, उसको बरसों से विवादित था। आप मंदिर बनाया, हम मोदी जी को बधाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो बन रहा है ये, तो हम सब मिलकर सबने बनाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश थे भाई, राम मंदिर बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तो हम भी बोल रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र घोषित रहिए। देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज 25% जनता इंडिया में रहती है, तो हिंदू धर्म भी घोषित कराए आप। राम मंदिर तो मुद्दा था, वो गवर्नमेंट का था, वो बना। आप पहली बार विधायक बने कांग्रेस की सीट पे लड़कर, आपके भी सपने होंगे कि आपके कार्यकर्ताओं के काम कराना है, इंदौर शहर के काम कराने, तो आपके जो कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने सपने तोड़े या बीजेपी ने उनको उनके शामिल साथ करके उन्होंने सपने तोड़वाए? नहीं नहीं, रही मेरी विधानसभा की बात, मैं अपनी विधानसभा में लगातार काम कर रहा हूँ। मैं सत्ता में था उसके बाद भी मैं अपनी विधानसभा के अलावा बाहर कभी नहीं गया, ना शहर की राजनीति करी ना प्रदेश की करी, क्योंकि मेरे को विधानसभा जनता मेरे लिए भगवान है। जनता ने मैंने चुना, जनता को जो मैंने वादे करे थे, जैसे मैं 600 बोरिंग का वादा कर रहा था, उसमें मैंने 250 बोरिंग तो इस 15 महीने मैंने करवा दिए, क्योंकि इंदौर शहर में पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पर्यावरण से परमिशन नहीं मिलती, जब भी हम बड़ी मुश्किल से हम लाकर हमने कम से 250 बोरिंग तो हमने करवा दिए, पर जो मेरा वादा है 5 साल में उसको पूरा करूँगा, जाता जल्दी करता हूँ, बंधु क्या करूँ, परमिशन मिलना बहुत मुश्किल आ रही है। और रही विधानसभा की कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ता का काम ये, मतलब 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और यहाँ के विधायक थे, यहाँ के संसद विधायक पार्षद और पंचायत सब कुछ भारतीय जनता पार्टी होने के बाद इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर इंदौर नहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी है, मेरी विधानसभा एक के अंदर है, उन कॉलोनी अवैध कॉलोनी को हमने अवैध कराया। आदरणीय कमलनाथ जी ने 45 कॉलोनी अवैध कर दी थी, परंतु सुप्रीम हाई कोर्ट का कुछ आदेश आने के कारण कैंसिल हो गई, क्योंकि गरीब परिवार के लोग रहते हैं, मुझे उनकी मदद करें, क्योंकि उन परिवार के लोगों ने जिसके 10 से 15 हज़ार रुपये महीने सैलरी होती थी, 1000-2000 रुपये इकट्ठा करके सारे प्लाट लेते हैं, उनकी कैसे करके मकान बनाते हैं, वहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, नर्मदा लाइन नहीं है, मेरे विधानसभा करीब करीब आप मानिए आज 7 वार्ड के अंदर कम से कम नर्मदा लाइन नहीं है, तो मैंने वो व्यवस्था कराई है, हर वार्ड में नर्मदा लाइन बिछ रही है, 5 टंकियाँ बन रही है, ये मैंने सब काम कराया। मेरे कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि भाई काम पहले होना चाहिए, पर्सनल काम तो जिंदगी होते रहेंगे, परंतु आज जनता का काम होगा, जनता भगवान है, उनने हमको चुना है, मेरे को चुना है, उनकी मेहनत से चुना है, तो मैं चाहता हूँ उनकी मेहनत भी काम हो, और जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं उन पर खड़ा उतरूँ। मैं लगातार मैंने कम से कम 150-2000 कन्याओं की शादी करा दी है, जो गरीब परिवार की कन्या रहती है मैंने उनकी शादी करा दी है, ज्योतिर्लिंग की पूजा करवा दी है,
लिए। उसके अलावा बाड़ंगा में अस्पताल 100 बेड का मैंने करवा दिया था, अपन सरकार चेंज हो गई है, पर जब भी मेरा वादा है कि मैं उसको कराऊंगा, वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास बनवा रहा हूँ, कई बगीचे बनवा दिए मैंने, अनेक काम, कई जगह डीपी नहीं थी डीपी लगवा दी, खंभे लगवा दिए, और अनेक काम जो होना चाहिए मैं उनको खड़ा करके काम उतारूंगा, क्यों आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद में खड़ा उतरने की कोशिश करता हूँ, लगातार काम करता रहता हूँ, क्योंकि हम दुख सुख के अंदर हमेशा जो मेरा परिवार है, क्यों मेरा परिवार जो हमको मान सम्मान कांग्रेस को मेरे को मेरे परिवार को जो दिया वो जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। विधानसभा एक के सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, और साथ में ये भविष्य में मैं आज हूँ कल भी भगवान ने आप आशीर्वाद, कल भी रहूँगा नहीं रहूँगा तो भी वैसे ही काम करूँगा जैसा मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मान सम्मान से मैं आगे बढ़ाऊँगा। देखिए मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है, जब आप बीजेपी की जब चुनाव चल रहे थे, सुदर्शन गुप्ता जी को आप चुनाव हरा कर आए थे, जब आपके साथ में कांग्रेस की टीम थी, आपकी सरकार बनी, लेकिन अब आप अकेले हो क्योंकि कांग्रेस के विधायक आप है अभी यहाँ पर और सरकार बीजेपी की, तो ऐसे में आपके काम अब होगे कि नहीं? क्यों नहीं होंगे, मैं जनता काम कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल काम कुछ नहीं है, मेरे समस्या रोड ड्रेनेज सड़कों पानी और अवैध कॉलोनी ये काम है, इसके मैं लगातार लगा रहूंगा और लगातार करता रहूंगा, इसके लिए मुझे संघर्ष भी करना पड़ेगा, मुझे कई बार ऐसी देखिए मैंने आज इस कोरोना के अंदर कई व्यापारियों को कई ठेले वालों को बंद हो गए थे, उनके चालान बन रहे थे, तो मैं उनके लिए लड़ा, मैं कभी चिंता नहीं पा रहा हूँ, मेरे एक केस नहीं 50 केस लग जाए फिर उसकी चिंता नहीं है, मुझे सुली चढ़ा दे, परंतु जिन लोगों ने मुझे चुना है मैं उनके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, दिन रात उनके लिए मेहनत करता रहूंगा, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद है तो आज इतना आगे बढ़ रहे हैं, और उनका काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे, सत्ता है ना हो ऐसा जरूरत नहीं होता, सत्ता वालों को हम बताएंगे भाई काम हमारा काम है, गरीबों काम है, हमारा पर्सनल काम नहीं करा रहे हैं, जो भी काम है सड़क के ड्रेनेज के काम उनसे करवाएंगे और काम हो भी रहे मेरे वहाँ। सरकार गिर गई आपकी, उसके बाद कैसा लग रहा है आपको? साहब काम करने वाले को कोई चिंता सत्ता हो या ना हो, ये मैंने देख लिया 15 महीने हमारी सरकार थी, उस 15 महीने सरकार में हम लगातार लोगों को काम करते रहे और आज भी वही उतना ही काम कर रहा हूँ जैसे काम चल रहा है। देखिए आप कोरोना के अंदर मैंने पूरी विधानसभा के अंदर 1,00,000 राशन पैकेट बांटे, हर विधानसभा में एक एक घर जाके मैंने बंटवाया, भले किराएदार हो या मकान मालिक हो या कोई भी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमने ये नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए अब सब बराबर है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साथ में लिया मैंने, कांग्रेस के लोगों को साथ में लिया, सामाजिक लोगों को साथ में लिया और उनसे बंटवाया, ऐसा नहीं लगातार एक एक घर के अंदर 10 किराएदार भी हैं, क्योंकि मेरी गरीब बस्तियाँ एक मकान के अंदर 10 लोग किराएदार, एक एक कमरे में एक आदमी रहता, हमने ऐसा नहीं कि मकान मालिक को देना वोटर को देना, नहीं हमने एक लाइन सबको दिया, आप चाहें तो मेरे पास 1,00,000 नंबर टेलीफोन नंबर है, मैं आपको आज दे दूँ, आप उनको फोन लगाइए, मैं उनके घर गया दुख सुख में, क्योंकि कोरोना की महामारी इतनी बड़ी महामारी थी कि मतलब इसके अंदर हर आदमी परेशान हुआ, गरीब हो या अमीर हो या लखपति, सब हर आदमी को उस हिसाब से परेशानी आई है, तो इधर सत्ता नहीं होने के बाद भी हमने लोगों की सेवा करी है। अफवाह तो ये भी थी कि आप भी बीजेपी में शामिल हो रहे थे, आपको भी जो है प्रलोभन दिया गया था, तो क्या ऐसा पद नहीं दिया जा रहा था, मंत्री पद क्या आप गए नहीं? ये तो क्या है, हमारे जो विरोधी लोग हैं हमेशा हवा उड़ाते रहते हैं कि भाई आज जा रहा है कल जा रहा है, देखिए जब मार्च के अंदर जब भी जो चालू हुआ था उस टाइम भी खूब हवा उड़ी, ऐसा नहीं है मैं आज भी कांग्रेस में हूँ कल भी कांग्रेस में था कांग्रेस में रहूँगा, ये तो लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि मेरा परिवार पूरा बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो लोग लगता है कि भाई मतलब ये आज नहीं कल भारतीय जनता आ जाएंगे, पर देखिए आज 4-5-6 महीने हो चुके हैं मैं कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस की पार्टी में हूँ, आज उनका काम कर रहा हूँ लगातार दुख सुख में, जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ साथ में रहता हूँ और उनके लिए लड़ता रहता हूँ हमेशा। नगर निगम के ठेले हटाने वाले अभियान में सबसे पहले आप पहुंचे, वहां पर उस बच्चे का सपोर्ट किया, कलेक्टर ऑफिस में आप जाते, धरने पे बैठते, क्यों ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा? देखिए हम विधायक हैं और हम जनता ने हमको चुना है, जनता ने हमको चुना, जनता के लिए हमको काम करना है, और उसके लिए हमको जनता कलेक्टर साहब हो या नगर निगम हो कोई भी या मुख्यमंत्री के नहीं हो, हमको सबसे लड़के उनके काम कराना है, क्योंकि जनता उस 4-5 महीने महामारी के अंदर जो गरीब परिवार के लोग किसी ने गहने बेचे किसी ने ब्याज से पैसे लेके ठेले चला रहे थे, बेचारे दिन भर में 1,000 रुपये का सामान खरीदते थे बेचते थे उसमें 200-250 रुपये कमाते थे और अपने घर जाते थे, तो उनके बच्चे इंतजार करते थे भाई पापा आएंगे तो भाई हमारे लिए अनाज लेके आएंगे हमारे दूध लेके आएंगे, परंतु उसके बीच में नगर निगम के लोग 100-200 का चालान बना ले छीन लेते थे। अब देखिए इसके महामारी के अंदर अति हो गई थी, मतलब हर ठेले वालों को परेशान करना ही करना, और एक तरफ आप बोलते हो कि अभी हम 10,000 रुपये दे रहे हैं हर ठेले वाले को, इंदौर में 3.5 लाख फॉर्म भराए गए थे, आज मैं आरोप लगाता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार को, तो 3.5 लाख फॉर्म भराए थे उसमें आपने 5,000 को लोन दिया जी। बाकी फॉर्म क्यों आप लिए, तो जनता क्यों परेशान कर रहे हैं आप, उनके उनके फॉर्म भरवाया उनके बेचारे पैसा खर्चा हुआ, उन्होंने फॉर्म लेके कलेक्टर ऑफिस फॉर्म लिया, बैंक के चक्कर काट रहे हैं काट रहे हैं, और मात्र रिकॉर्ड है मेरे पास कि मात्र 5,000 लोगों को 10,000 का लोन दिया गया और 3.5 लाख फॉर्म इंदौर शहर से उठे थे, वो तो बेचारे उन लोगों की क्या स्थिति होगी, देखिए ऐसी हालत खराब होती है, लोगों को बोला भाई 5 किलो गेहूँ देंगे, गरीब लोग पैसे गेहूँ देंगे, परंतु उनको ये गेहूँ दे रहे हैं जिनको कार्ड है इनके पास किसी पास नहीं है, भैया मेरा तो देना है सबको दो जैसा हमने दिया है, एक एक लोगों को दिया, एक एक लोगों को काम करा और एक काम कर रहे हैं,
और ठेले वालों की बात रही, उस ठेले वालों को मैं लड़ा मैंने, भाई मेरी विधानसभा नहीं, पूरे शहर के अंदर कोई भी ठेले वालों को परेशान नहीं करेगा, परंतु ऊपर वाले की मेहरबानी से और आप लोग सबके सहयोग से नगर निगम ने वो अपना आदेश वापस लिया। उसके बाद एक भी चालान नहीं बन रहे, तो मैं नगर निगम को बधाई दूंगा, आदरणीय कलेक्टर साहब को बधाई दूंगा कि उसके बाद कोई नहीं हुआ। रही मेरे धरने की बात कलेक्टर साहब के सामने, क्योंकि व्यापारी द्वारा लाइट और लेप का चल रहा था कि भाई आज राइट खुलेगा कल लेप खुलेगा, तो इसका मतलब ये कि थोड़ी तो कोरोना तो बोल खुल जाता, कभी राइट में दुकान खुले तो लेप में रहेगा, लेप खुलेगी तो राइट में खुलेगा। हमने बोला भाई देव तो सब खोलो, हफ्ते में आप 5 दिन खोलो, भले 2 दिन लॉकडाउन करो। हर व्यापारी बोल रहा था भैया खोलो तो पूरे दिन खोलो, क्यों बेचारा व्यापारी परेशान और अपने अपने आदमी लोग परेशान, वो जाते थे खरीद लेने, मालूम पड़ा लेफ्ट में जो जहाँ सामान खरीदना आज बंद है, और राइट में गए तो राइट वाली बंद है, तो वो सब लोग परेशान हो रहे थे और भीड़ इकट्ठी एक राइट में रहती थी तो सब खुल जाएगा तो भीड़ बराबर बराबर बढ़ जाएगी। वो देखिए उसके बाद भीड़ लगातार घटी, वो सब दो बराबर से काम चल रहा है और आप सोशल डिस्टेंस का पालन करना, उसके अंदर व्यापारी हो या गरीब परिवार हो सब लोग उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है इस कोरोना महामारी के अंदर हम बीमार पड़ जाएंगे तो मैं तो खुद बीमार होऊंगा ही होऊंगा, साथ में मेरे अपने पूरे परिवार को बीमार कर दूंगा, आस पड़ोसी बीमार कर दूंगा, तो हर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, वो गरीब हो या लखपति हो या ठेले वाला हो या चाय वाला हो या मजदूर हो, हर लोग पालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पालन करें, क्योंकि ये देश की महामारी है, इसका कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवा नहीं, इसकी एक इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और आगे और लोगों को दूरी बना के काम करें, वो जरूरी हो तो घर से निकले नहीं तो ना निकले, क्योंकि आज की तारीख में इसकी दवा को कोई वैक्सीन नहीं बन पाया, तो मैं चाहता हूँ 2-4 महीने इसको और ऐसे ही अपन चलाएंगे तो अपन देश इससे लड़ पाएंगे, क्योंकि इंदौर हमेशा हर चीज़ में नंबर 1 रहा है, इंदौर नंबर सफाई के अंदर लगातार 3 बार नंबर 1 रहा, 4थी बार भी नंबर 1 था, परंतु कोरोना आ गया इसके लिए रुक गया। उसके अलावा देखिए पूरे प्रदेश से गुजरात महाराष्ट्र और अनेक शहर से लोग इंदौर से निकल रहे थे, कहीं उनको खाना नहीं मिला, परंतु वही व्यापारी वही संस्थाओं लोगों ने इतना खाना खिलाया, किसी ने चप्पल पिलाया, किसी ने दूध खिलाया, किसी ने बच्चों को चप्पल मिले और किसी को गाड़ियाँ दिए, मतलब ऐसे करके रवाना करा, पर उसमें इंदौर नंबर 1 रहा, पूरे देश में नहीं पूरे देश में नाम चल रहा कि भाई इंदौर के लोगों ने सेवा करी। तो मैं चाहता हूँ इंदौर में हमेशा हर लोग सेवा करते हैं, सफाई के अंदर ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में करते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। लोग अभी आरोप ये भी लगाते हैं बीजेपी के, जब कोरोना चल रहा था तो जितने भी जो कांग्रेस के नेता थे वो बिल में, तब कोरोना खत्म हुआ तो बिल से बाहर आ गए। साहब मैं आपसे वही बोलना चाहता हूँ, मैं लगातार इंदौर का मैं विधायक हूँ चुना है, परंतु मैं लगातार 90 दिन तक मैं कुछ ना कुछ काम करता रहा। पहले मैंने 25 दिन तक रोज 20 से 25 हज़ार पूरी सब्जी के पैकेट बनवाए, वो पूरे विधानसभा में बंटवाए, उसके अलावा नगर निगम के माध्यम से मैंने हर झोनों पर भेजे कि भैया जो गरीब परिवार जो उसको खाना नहीं मिल रहा उसको दिया जाए, और हमने हमारे विधानसभा में बूथ वाइज हमने बंटवाया जिससे जो गरीब परिवार घर में खाना नहीं है वो दिया जाए। उसके बाद लगातार क्योंकि इतने लोग काम कर रहे थे कोरोना की महामारी डर के मारे वो लोग दूर हुए, तो हमको सबको लगा कि भैया वो जो बना रहे हैं उनको कोरोना नहीं जाए, तो फिर हमने वो बंद करके फिर राशन बांटना चालू करा, तो राशन भी हमने 1 लाख लोग घर पे और मोहल्ले वाइज वार्ड वाइज बांटा जिससे किसी को ये नहीं हो गया हमको दिया हमको नहीं दिया। तो आप चाहे मेरी विधानसभा में कहीं भी जाके पूछ सकते हैं कि हमने लगातार काम करा है, ऐसा नहीं जनप्रतिनिधि मैं भी निकला हूँ और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सब लोग निकले और मेरा सपोर्ट तो आते नहीं, आकाश विजयवर्गीय ने महेंद्र आडिया ने सब सपोर्ट करा, नहीं जो भी मुद्दे उठा रहे हैं हम अच्छे उठा रहे हैं, गरीब परिवार के उठा रहे हैं, तो हर जनप्रतिनिधि रोड पर निकल के काम करा है, शंकर लोनानी जी लगातार रोड पर काम करें, मैं किसी बुराई नहीं करना चाहता, हम सब ने मिल काम करा है। आपके मित्र जीतू पटवारी के ऊपर FIR दर्ज हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री के फोटो को बीजेपी कहती है कि तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन अब कांग्रेस जो है उनके समर्थन में किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रही है, क्या डरी हुई है बीजेपी से? नहीं नहीं साहब देखिए हम लोग हमारे अध्यक्ष जी और जितने हमारे पार्षद हमारे विधायक, क्योंकि मैं इंदौर से बाहर था तो उस दिन हम सब लोग गए IGDI साहब से मिले कि भैया ये जो गलत जो पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी फालतू आरोप लगाए, हम तो भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रधानमंत्री सबकी तारीफ कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई जो अच्छा काम हो रहा है उसकी अच्छी तारीफ होना चाहिए, जो नहीं होगा तो हमारा विपक्ष का काम है विरोध करना, विरोध करके जो आप लोग पक्ष में बैठे हैं तो आपकी गलती बताना हमारा काम है, उस गलती को हम बताएंगे तो आप सुधारेंगे, तो हम लोग बताते रहते हैं कि गलती क्या है, हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे क्योंकि जनता हमारी भगवान है, जनता ने हमको जिताया है, जनता के लिए हम काम करेंगे, उसमें 100 मुकदमे लगेंगे तो हमको मंजूर है। तुलसीराम सिलावट अब सांवेर सीट से दोबारा से वो चुनाव लड़ेंगे, आपके मित्र भी थे क्योंकि वो कांग्रेस में थे तो आप एक साथ थे, लेकिन अब क्या लगता है कि क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप अभी कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या जीतेंगे वहाँ से? अब आप देखिए तुलसीराम सिलावट जी खुद नहीं जीते थे, वहाँ कांग्रेस जीती थी,
लोगों ने कांग्रेस जो किसान आदमी बहुत कांग्रेस सपोर्ट में पूरे प्रदेश के अंदर देखिए गांव के अंदर बहुत ज़्यादा सीटें आई कि सबको मालूम हमारे कर्जे माफ होना चाहिए। हमने जो वादा किया 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे तो उसमें पहली किस्त में हमने 50,000 तक कर्जे माफ करे थे, दूसरी किस्त में 1 लाख तक के कर्जे माफ करे थे, जो तीसरी किस्त थी वो 2 लाख तक की थी, परंतु उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन सबसे साथ में मिलकर सरकार हमारी गिरा दी। परंतु हम आज भी वादा करते हैं क्योंकि आम जनता किसान को मालूम है कि भाई जो वादे किए थे ये वादे करके पूरे उतर रहे हैं। हमने देखिए 51,000 रुपये कन्या शादी में कर दिए, जो 21,000 थे जो विधवा फॉर्म थे वो जो 300 रुपये थे उसको हमने 1,000 रुपये कर दिए। उसके अलावा जो बिल आना चाहिए 1 रुपये का 1 रुपये यूनिट 100 यूनिट तक का कोई पैसा नहीं लगेगा, इससे आम आदमी किसान और बहुत सब खुश थे। उसके अलावा हमने देखिए जो भू माफिया हो उन पर कार्रवाई करिए, या मिलावट माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, मेडिकल माफिया हो, इन सब पे कार्रवाई करके 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उसमें 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने वो करके दिखा दिया कि जो 15 साल नहीं कर पाए, परंतु जनता किसान ये सब समझदार हैं, उनको मालूम है कि कैसा जवाब देना है। मैं कह रहा हूँ कम से 1,000 मतों से हम जीतेंगे और कम से 25 सीट चुनाव जीतेंगे तो कांग्रेस सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया बार बार कहते रहे जब आपके साथ सरकार में थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, लोगों के काम नहीं हो रहे, रोजगार की जो बात की थी वो नहीं हो रहा, और राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम दोनों ज्योतिराज सिंधिया भी थे एक तरफ और कांग्रेस जो है जो कमलनाथ जी भी थे, अगर ये दोनों ने काम नहीं किया तो राहुल गांधी एक किसी को भी हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से। कमल आदरणीय राहुल जी ने जिस शपथ समारोह हुआ था उसके बेल बाद आए थे, उन्होंने बोला था भले मुख्यमंत्री MP को या राजस्थान को या छत्तीसगढ़ को, कोई भी काम नहीं करेगा जनता के जो मैंने वादा कर गया हूँ किसान कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं करा तो मैं उस तत्काल हटा दूंगा, भले वो कमलनाथ जी हो या गहलोत जी हो या कोई भी हो, सब जगह उनका हटा देंगे। हमारे पार्टी ऐसी है हर आदमी बोल सकता है, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोग बोलते हैं, आदरणीय मोदी जी बोलते हैं या अमित शाह जी बोलते हैं, वहाँ किसी बोलने का अधिकार नहीं है, हमारे वहाँ सबको बोलने का अधिकार है, इसलिए सब लोग बोलते हैं और काम करते हैं। उसके लिए अपने लड़ना पड़े या किसी से लड़ना पड़े, देखिए आज पायलट जी राजस्थान के अंदर उन्होंने बोला भाई ये गलत हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, उसके लिए वो सबसे लड़के आए वापस सिलावट जी ने बोला कि भाई 15 दिन बाद हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे, तो मतलब उनका कमिटमेंट कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी से, वो 15 दिन में जवान नहीं फिसली थी, उन्होंने बोला है उनका वादा करके आए भारतीय जनता पार्टी से, मुझे मालूम पड़ा कि 15-20 दिन बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ कि उनका जो वादा हो वहाँ पूरा होगा। लेकिन इंदौर की अब बात करें, इंदौर के विकास की बात करें, क्योंकि आपकी सरकार गिरने के बाद क्या विकास जो यहाँ पर होना था वो उस पर रुकावट लगी है? नहीं, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने मेट्रो का ओपनिंग किया था वो लगातार चल रहा है, उसके अलावा जो भी इन्होंने इंडस्ट्री पार्क के लिए बोला वो चालू, कोई काम नहीं रुक रहा, सब चल रहा है। क्यों गवर्नमेंट में चालू हो गया? चालू इसलिए चालू है कि क्यों कमलनाथ जी ने वो काम कराए जो काम नहीं हो सकते, क्यों वो काम बंद कर देंगे तो उनको पब्लिक कर रहे बीजेपी की, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कमलनाथ जी ने वो काम चालू कराए जो आम पब्लिक आम जनता के थे, मेट्रो सेवा पब्लिक के लिए, क्योंकि वो बंद कर देंगे तो हालत खराब हो जाएगी, वो बंद नहीं कर सकते। वो कोई सी भी योजना आदरणीय जो कमलनाथ जी ने चालू करी है, आज देखिए सिर्फ एक योजना थी जो उन्होंने बंद करी है, 100 यूनिट वाली उन्होंने बंद कर दी, तो आज 1,000 के बिल आ रहे हैं लोगों के, वो परेशान हो रहे हैं, वो जो कर्जे थे वो उन्होंने बंद कर दिए, तो उससे किसान परेशान है, जो 2-3 चीजें उन्होंने बंद कर दिए उससे उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या, अब चालू कैसे करें। तो मैं कह रहा हूँ जो कमलनाथ जी ने चालू करा वो ठोस चालू करा है। कमलनाथ जी 1 महीने के अंदर 20 दिन ऑफिस में बैठ काम करते थे, मैनेजमेंट से काम करते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी महीने में 25 दिन हवाई से उड़ते रहते हैं, काम नहीं होता। भैया जब कोई से भी काम होगा, घर का काम भी होगा, तो आपको घर में बैठ के प्लानिंग करना पड़ेगी, ये काम बड़ा काम ही करेगा छोटा ही करेगा, तो कमलनाथ जी बैठ के प्लानिंग करते थे, और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जो शिवराज जी आज मुख्यमंत्री हैं वो उसी हवाई से उड़ते रहते हैं, सब दूर दौरा करते रहते हैं, घोषणा करते रहते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। उनका तो आरोप है शिवराज सिंह चौहान जी का कि आपने खाली खजाना दिया उनको, लेकिन इस बीच कोरोना महामारी में वो लगातार काम करते रहे और वो कोरोना संक्रमित भी हुए। ठीक है, हमने खाली खजाना दिया, हमको तो 15 महीने काम करने मिले, 15 साल में जो आपने वहां से लूट के खत्म हो गया था उसकी बात आप कीजिए ना, 15 साल में जो उनने करा था वो कहाँ गया? हमको तो 15 महीने में काम करने को जो मिला, 15 महीने के अंदर 4 महीने तो हमारे चुनाव निकल गए थे, मात्र हमने 11 महीने काम करा है, उस 11 महीने के अंदर काम करके 1,000 रुपये बाहर से पैसा भी लेके आए और फंड भी लेके आए और अनेक काम नए नए चालू करें जिससे फंड की व्यवस्था हो, तो 15 महीने हम सरकार चलाइए वो नहीं चलाते तो आम जनता आज कैसे खुश होती है? देखिए आप बिजली बिल माफ करें, हमने किसान कर्जे माफ करें, इन्हें करेगा
इनने बिजली बंद कर करेंगे, कुछ भी नहीं करा। आज बिजली वही बिल माफ बंद कर दिया इनने, वही योजना बंद कर दी है, सब कुछ बंद कर दिया है। जो बंद कर दिया है उसमें आज उनको भुगतना पड़ेगा, और इस चुनाव के अंदर उनको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अब देखो चुनाव ही डर रहे हैं, चुनाव की जो घोषणा नहीं होने दे रहे हैं। चुनाव की घोषणा होगी तो सबको मालूम है 20 से 25 सीट हम जीतेंगे और कांग्रेस सरकार फिर बनेगी। आपके लगातार जो विधायक है वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो एक साथ कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक तो नहीं हो जाएगी? देखिए कांग्रेस ऐसी पार्टी है, समुद्र पार्टी है, कई लोग आए कई लोग चले गए, इसके पहले भी कई लोग इसमें आए थे चले गए, एनडी तिवारी जी हों या भले मतलब अपना अर्जुन सिंह जी हो या सिंधिया जी हों, कई लोग इसके पहले आए और गए हैं और चले गए। इस संस्था में आज भी जिंदा है, संस्था कभी भी डूबती नहीं है, डूबता है तो इंसान डूबता है, पर्सनल डूबता है, पर संस्था कभी नहीं मरती है, संस्था जिंदा रहती है। ये गए तो चार लोग नए आएंगे और चार लोग नया मौका मिलेगा, वो काम करेंगे, इससे अच्छा काम करेंगे। आदरणीय हमारे पचौरी जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय अजय सिंह जी, आदरणीय अरुण यादव जी, अब देखिए उससे लगातार उससे अच्छा काम कर रहे हैं जी। लेकिन अब जैसा कि चुनाव सामने हैं, ऐसे में जो आपके विधायक लगातार जा रहे थे, क्योंकि आपके बीच में आपकी पार्टी में कलह ज़्यादा है कि यहाँ पर नेता जो है जितने भी हैं एक दूसरे के गुटबाजी के कारण जो है छोड़कर जा रहे हैं, इन पर रोक कैसे लगाई जाएगी, इन्हें कैसे मनाया जाएगा? ये तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है उनके परिवार के ऊपर कि भाई तुम ये हो जाएगा, तुम्हारे ये केस लगा देंगे, तुम पे लगाएं, तो डर के जा रहे हैं। परंतु तो चिंता नहीं है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वो हमारे जितने हैं वो सब वापस आएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी लालच देकर कर रही है तो आम जनता समझ रही है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो इसका जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे। चार जब भी चार महीने जब चुनाव होंगे तो जब सब विधायक हमारे हो जाएंगे वापस, तो फिर जवाब मिलेगा कि जनता ने इसका जो गलत किया, कांग्रेस ने जो गलत किया, लोकतंत्र की जो हत्या की है, उसका जवाब जनता देगी। जनता भगवान है, जनता को कोई नहीं खरीद सकता। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको तो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी तुलसी सिलावट से लगा के जितने जो पहले मंत्री थे उनकी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है? नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं आज भी विधायक हूँ, कल भी विधायक रहूँगा और जनता के लिए काम करूँगा। मुझे कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं है, मेरे को तो अपनी विधानसभा का काम करना है, क्यों जिन लोगों ने मुझे चुना है तो मैं उसके लिए काम करना है, उसके लिए काम करता रहूँगा और आगे भी करूँगा। मेरी सरकार भी आ जाएगी तो मंत्री दूसरे बन जाएंगे, परंतु मैं अपनी विधानसभा काम करता रहूँगा, आज भी करता कल भी वहीं करूँगा, क्यों मेरे लिए विधानसभा सबसे पहले है। सबसे बड़ा मुद्दा अब इस कोरोना महामारी के बाद युवाओं का रोजगार चला गया, किसान लगातार आत्महत्या करे, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जितना भी किसान का जो कर्जा है वो तो माफ़ कर ही रहे। माफ़ करें तो घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? क्या करा जो लोग जो योजना हमने चालू करी थी 15 महीने के अंदर, उन योजनाओं क्यों बंद कर रहे हैं? वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ किया है शिवराज सिंह चौहान सरकार, आप बताइए कब करा उन्होंने? जो हमने बोला था वो हमने माफ कराया, और जो हमने जो कर्जा माफ करा सेकंड किस्त भी आपसे वादा करता हूँ, आज हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट बांट दिए थे, जिन लोगों को सर्टिफिकेट बांट दिए आपका कर्जा माफ हो गया, परंतु उनके सर्टिफिकेट वापस कैंसिल करके उनका कर्जा माफ नहीं करा, बेचारा आज परेशान हो रहे हैं। ये शिवराज जी से सरकार कर रही है, हमने तो जो काम करा करके आएंगे। कमलनाथ जी ऐसे जो करते हैं वो करके दिखाया, उन्होंने छिंदवाड़ा देखिए पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी एक अलग अलग अल, 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 लोकसभा है, उसके अंदर विकास हो, युवा को रोजगार हो, तो वैसे ही मॉडल पूरे प्रदेश के लिए ला रहे थे, वो काम कर रहे थे, पर उसके बीच में हमारी सरकार गिर गई तो अब कैसे कर पाएंगे? और मैं आज बोलना चाहता हूँ, जितने युवा बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, महिला बेरोजगार हो रही है, आधी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप अमेरिका हो या कोई सी देश हो, उन्होंने हर किसी खाते में पैसा डाला है। आप गेहूं अनाज बांटने वो तो खुद ही खरीद लेंगे, गेहूं अनाज के बांटने से मतलब नहीं, आप उनके खाते में पैसा डालिए, हर किसी खाते में पैसा डालिए। आज आप में हम सब उसी साथ डल रहा है, मतलब जो भी 1 लाख कमाता था उसको 10,000 मिलेंगे, जो 10,000 कमाता उसको 22,000 मिलेंगे, परंतु ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाया जिससे आम जनता और आम सबको फायदा मिले, परंतु ये सब महामारी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं लाया जिससे आम जनता को मिले। वहाँ तो सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप कोरोना का लड़ाई लड़े और खुद सेल्फ डिपेंड हो, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि कमलनाथ ने जो भी मध्य प्रदेश में काम करना था वो बजट वो छिंदवाड़ा में लेके चले गए। छिंदवाड़ा में ले जाते हैं तो आप बताइए इंदौर मेट्रो कैसे होती है, इंदौर आईटी पार्क कैसे आता, हर काम जो हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। हाँ ये कि भाई आईटी उनका हुआ था, जो उनका सिस्टम पहले चला रहा था उसे कंटिन्यू चला रहा है, परंतु वहाँ ओपनिंग करने जाते थे वो जाते थे, क्योंकि बोले भाई मैं जहाँ से बचपन से मैं रहा हूँ, हर आदमी इच्छा होती सबसे पहले भाई मेरा मकान पहले मेरा मकान बन जाए यार, और आसपास के मकान में रहता हूँ। पर कमलनाथ जी ने कोई प्रदेश के अंदर ऐसा खुश है नहीं हो, मेरे वहाँ देखिए नर्मदा टंकी अमृत योजना ये काम हो गई, और 200 बोरी 250 बोरी उनके स्थलीय हो गए, सब कमलनाथ जी द्वारा हमारी व्यवस्था की गई, तो काम हो रहे हर जगह काम हो रहे थे, ये तो आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, हर प्रदेश में हर जगह काम हो। मिश्रा जी सिर्फ बोलते हैं वो काम नहीं करते, उनका काम ही सिर्फ बोलने का। देखिए उन्होंने मास्क लगा लिया, आम जनता को सिंपल मास्क नहीं मिल रहे, वो अपने खुद के मास्क बनवा के पहन के घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
तो संजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, आगामी चुनाव है, दोनों ही जो सियासत की जो पार्टी, बड़ी पार्टी है, अब दोनों आमने सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चुनाव में जो कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी के बीच लेकिन लगातार यहाँ पर लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों को नौकरियाँ जो नहीं मिल रही, लोगों की नौकरियाँ चली गई है, किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हो रहे, बिजली के बिल लगातार बढ़ते जा रहे, इस तरीके के आरोप भी इन्होंने लगाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये होगी कि आगामी चुनाव में आखिर में सत्ता किसके हाथ लगेगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एशियन भारत। नमस्कार।